क्या सीबीएसई इस बार आपको फेल करने वाला है? अगर आप ये सोच कर इस वीडियो पर आए हैं तो बिल्कुल सही आए। सीबीएसई के अंदर इस बार आप लोगों के पास होने के क्या क्या क्राइटेरियाज होने वाले हैं, उन सभी की मैं बात इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं। सबसे पहली बात कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है, ग्रेसिंग मार्क्स कितने पर आप लोगों को मिल रहे हैं, नंबर ऑफ कॉपीज आप लोगों की किस तरीके से चेक करी गई है, साथ के साथ आप लोगों का रिजल्ट कब आने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप करे आप लोगों को लास्ट तक देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, सीताराम, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ पासिंग क्राइटेरिया की। एज यू नो, जो आप लोगों को पता है कि जो हमारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं 80 और 70, उसमें पासिंग क्राइटेरिया क्या है। सीबीएसई का हर साल जो पासिंग क्राइटेरिया चेंज होता रहता है, इस बार जो है 80 मार्क्स वाले सब्जेक्ट में आप लोगों का पासिंग क्राइटेरिया 27 है और 70 मार्क्स वाले में 23 है। अब बात करता हूं कि इस बार बोर्ड की कॉपी किस तरीके से चेक करी गई है, क्योंकि इस बार मैं भी बोर्ड की कॉपी चेक करके आया हूं तो मुझे पता है। मीन्स की अगर आप लोग रिलेटेड टू क्वेश्चन लिखकर आए हो तो ही आप लोगों को मार्क्स मिल रहे हैं। अगर आप लोग फालतू की बातें लिखकर आ रहे हो, मतलब कहानियां लिखकर आ रहे हो, तो आप लोगों को मार्क्स नहीं दिए जा रहे हैं। साथ के साथ ग्रेसिंग मार्क्स कितने मार्क्स पर मिलते हैं आप लोगों को पता है। प्लस आप लोगों को 70 मार्क्स वाले सब्जेक्ट में 23 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। मीन्स अगर आप लोगों के 18 या 20 मार्क्स आ रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो टीचर जो है वो आप लोगों को ग्रेसिंग मार्क्स दे सकता है। उसके अंदर भी कंडीशन क्या है, कंडीशन सिर्फ और सिर्फ ये है, बोले सर अगर आप लोगों ने रिलेटेड टू क्वेश्चन लिखा हो। बट एमसीक्यू और केस बेस्ड स्टडी के अंदर वहां पर आप लोगों को किसी भी तरीके के चॉइसेज या किसी भी तरीके के मार्क्स वहां पर आप लोगों को नहीं मिलने वाले, क्योंकि वहां पर परफेक्ट आंसर चाहिए होते हैं। बट लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर में अगर आप लोग रिलेटेड लिख कर आए हो तो ही आप लोगों को पास किया जा रहा है। मतलब 18 या 20 मार्क्स हैं आप लोगों तो ग्रेस के साथ आप लोग पास हो रहे हो। इन केस अगर आप लोगों को 27 चाहिए पासिंग मार्क्स, तो अगर आप लोगों 23 या 24 है तो ही आप लोगों को ग्रेस दिया जा रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे कॉलेज से कितने नंबर ऑफ परसेंटेज बच्चे पास होने वाले हैं। इस बार लोकसभा चुनाव की वजह से पासिंग क्राइटेरिया बढ़ाया जा सकता है सीबीएसई के द्वारा। मतलब कि इस बार पासिंग परसेंटेज जो है वो आप लोगों का बढ़ सकता है। मतलब जो बच्चे फेल की कगार पर हैं वो भी इस बार पास हो सकते हैं। और सबसे जरूरी बात कि बोला इस बार सीबीएसई का रिजल्ट कब आने वाला है। इस बार हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बोला फर्स्ट वीक ऑफ मई या 15 मई तक आप लोगों का सीबीएसई जो है वो रिजल्ट डिक्लेयर करने वाला है। और अगर अभी तक भी आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीताराम।